मामा किताबे जिंदगी नो बंद कर दिता सीने लाके कह लगी टुर चले ते मां दी लाज रख के आई अकबर ने सीने लाके अर्ज की मां लाज किवें रखनी फरमादियां बे अकबर पुत्रा अब्बास दे बाजू फट गए उन्हें अपनी मां मुल बनी दी लाज रखी आओ कासिम दियां पसलियां टूट गईयां उन्हें अपनी मां में फरवा दी लाज रखी आओ निके जे असगर ने हलक च तीर खा के अपनी मां रबा दी लाज रखी आ निके निके उन ते मुहम्मद ने अपनी मां जैनब दी लाज रखी आ ते ओ भी अली दे लाल ने भी अली दे लाल अपनी मां दी लाज रख के आने अर्ज की अम्मा लाज किवें रखनी नौजवान में लाला सीने नाल लाया फरमादिया वे अकबर पुत्रा वे तीर वजे है ना करी जदू तेरी लाश वापस आवे एक भी तीर कंड ते ना आवे सारे सीने ते खा के आने अकबर ने मां नूं जफा मारे अर्ज की अम्मा रो ना तेरी इंज लाज रख के आवांगा कयामत तक मामा तेरे ते नाज करन दिया पुत्र मेरे ते नाज करन आओ नौजवान हुण मैं तुहानूं करबला दे मैदान ते दर्द दे वेड़े च लै चला सारी रात इमाम अली मौका कुरान दी तिलावत कर दे सारी रात सैयदा दा नबी दे चेहरे वल वेखदियां रहियां जूझ रात गुजरदी जाओ री ज़ैनब दा कलेजा कंबदा होए नौजवानों जेड़े वेले सारी दा वेला होया तहज्जुद दी नमाज दा वेला होया सैयदा दा ना कदे रात वल वेखदियां कदे वीर वल वेखदियां नहीं फरमादियां इंशाल्लाह रात मुहर्रम वाली साया परियादी थी रात मुके दिन चढ़े अजे तेरा वीर जुदाना थी गुजरनी सी नौजवान गुजर गई जेड़े वेले फजर दी अज़ान दा वेला आया इमाम अली मुकाम ने फरमाया अकबर पुत्रा फजर दी अज़ान पढ़ उस कुरान दे कारी ने फजर दी अज़ान पढ़ी तेरे इमाम ने नमाज पढ़ाई निका निका दे राजे करबला दे मैदान अंदर फरमाया अकबर पुत्रा तू मेरी फौज दा सिपा सालार है जा पुत्रा जरा मैदान जिहाद दा जायजा लेके आओ अकबर जड़ बेले मैदान जे हाओ दा जैसा लेके आए रोंदे आया के पापा नु जब मार ले आओ इस दर्द नाल अकबर रोए मेरे इमाम भी रोन लगे पए फरमाया अकबर रोना क्यों है अर्ज की थी बाबा जड़ बेले मैं करबला दे मैदान गया हूं एक माई वडेरी है उने सफेद रंग दी चादर लई आई है ओ परदादार नाल रोंदी है नारे करबला दी रेत अपने दुपट्टे नाल साफ कर दी है नाल रोने चुन दी है मेरे इमाम चीख मार के रोने लगे पे अर्ज की थी बाबा माई नु पुछया मां कौन क्यों करबला दे रोड़े पे चुननी है माई बोली ते नहीं बड़े दर्द नाल रोंदी है उस माई दा रोना सुन के मैं भी रोन लग पया फरमाया अकबर पुत्रा ओ माई बेगानी नहीं ओ तेरी दादी जरा है ओ मेरी अम्मा जरा है जदू मदीने उतरिया सा अम्मी ने वादा किया सी हुसैन वादा करनी आओ जदू करबला दे मैदान छुट के गाओ थले जरा दी झोली आवेगी तेरी अम्मा करबला दे रोड़े चुनने आई है सवेरे मेरे पोतरियां दोतरियां डिगना है उन्हां दे जख्मां च कोई रोड़ा ना चुभ जाए ए मां वाले
बोले इस फरियाद ले जाते पर मोया मावा वाले रो रो आपे चुपे कर जाते बाजू कठे करने पै गए कदे उन्हें मुहम्मद दियां लाशां चुकनियां पै गई कदे होर दीवाने नूं चुक के ले आ रहे कदे वाह बिन अब्दुल्ला कलबी दा लाशां चुक के ले आ रहे जदों अब्बा दी लाश चुकी इन्हां जणा ते जवान अली दा लाल है तेरे इमाम दे पैर जमीन ते रेत च धरसदे ने अकबर दी लाश चुकदियां सारे वाल चिट्टे हो गए नाले आसमान वल वेखे आओ नाले वेख के फरमांदे ने कासिमो अब्बास दे के दीना सैयद हारे आओ कासिमो अब्बास दे के दीना सैयद हारे आओ तेरा दिता तेनो दिता तेरे तो बारे तेरा दिता तेन दिता तेरे उतो ही वार मेरे मिल्ला दे नौजवान अब्बास एडा उच्चा ते जणा ते जवान अली दा लाल सी ना 34 साल दा जवान कि हजरत अब्बास दी सीरत ते लिखिया के जद अरबी नस्ल दे सुरख रंग दे घोड़े ते बैठदे सन ना ओ घोड़ा जेड़ा बड़ा बुलंद कद होंदा ते पैर जमीन ते लगदे सन इतना बुलंद कद सी हजरत अब्बास दा इमाम अली मुकाम ने जदों अब्बास दी लाश चुकी ते इतना बोझ सी कि आप दे पांव जमीन च दनसदे सन रेत च दनसदे सन पर हौसला वेख करबला दे मैदान च इमाम हुसैन दी उम्र मुबारक 56 साल 5 महीने ते 5 दिन सी इस बड़ेपे दी हालत च मेरे इमाम ने पुत्रां दी लाशां भी चुकियां ते वीरां दी भी चुकियां भतीजियां दी भी चुकियां ते भाजियां दी भी चुकियां इरादा ते मेरा कुछ होर सी पर मैनूं पैगाम मिलिया कि हजरत शहजादा अली अकबर दी शहादत सुनाओ और मैं तुहानूं करबला लै चला नौजवान मेरे इमाम जदों तैयारी कर रहे थे अचानक 18 साल दा अकबर खैमे च आया मेरे इमाम ने फरमाया अकबर बेटा किधर आयो अर्ज कीती बाबा मैं अज 18 साल दा हो गया फरमाया बेटा माशाल्लाह जवान हो गया जवान हो गया अर्ज कीती बाबा मैं कदे कुछ मंगिया ते सवेरे तुसी कम्मा ते जाओ ते बच्चा आखे ना अबू जी मेरे लिए फलां खिलौना लेके आना ते बाप दा रात नूं शाम नूं घर जावां ते उस वेले दिल नहीं करदा जद तक पुत्तर दी फरमाइश पूरी ना करे पर कोटली लोहारां वाले किसे दे पुत्तर एडे लाडले ते नहीं ना जिड्डे हुसैन दे लाडले सन किसे दे एडे सोहणे ते नहीं ना जितने हुसैन दे सोहणे सन उत्थे शहजादे सन मदीने दे ते कायनात दे शहजादे मेरे इमाम ने पिछले 18 साल अमल छाती मार के सोचा कि वाकई 18 साल गुजर गए मेरे पुत्र ते कद कुछ मंगी नहीं फरमाइश कीती नहीं मेरे इमाम सीने ला के फरमाया बाबे दी जाने कदे मांग के वेखते सही मकाए ना तेरी जुल्फ दे कुंडल तो वार दे हाथ जोड़ के अर्ज की थी बाबा मैं दुनिया दी कोई चीज नहीं लेनी अर्ज की थी बाबा मैं बस करबला जावां दी इजाजत लेना आया मेरे इमाम गश खा के जमीन ते डिग पे तारीख करबला पढ़िया दो मौके करबला चाहे जदों इमाम अली मुकाम गश खा के जमीन ते डिगे अफजल कादरी साहब पहला मौका उदो जदों हजरत शहजादा कासिम इमाम हसन दा पुत्र इजाजत लेने आया ते दूसरा मौका उदो जदों शहजादा अली अकबर खैमे च मेरे इमाम जदों जमीन ते डिगे पुत्र ने कदम चुम चुम के बाबा नूं जगाया उसके सीने लगा के फरमा देने पुत्र इंज नहीं करी दा फरमाया अकबर तेनू पता है पुत्र जवान हो ते बुड्ढे प्यों दे जनाजे कंधे ते चुक के कब्रस्तान छड़ के आते पर जे कदे किसे बाप वडेरे नु जवान पुत्र दा जनाजा चुकना पै जाए ना ओ बाप जूंदा ही मर जांदे फरमाया अकबर पुत्रा
अजे बाप नहीं ना बने, तेनों नहीं पता औलाद वास्ते प्यों दे जज्बात की होंदे। फरमाया अकबर बेटा जेडे बूटे नू 18 साल पानी दिता होवे ना बूटा भी वड्डन नू जी नहीं करदा, मैं तेनों 18 साल पाली मेरे को तेरी लाश डिगदी नहीं वेखी जाने की। अकबर ने हाथ जोड़ के अर्ज की थी बाबा फिर मेरे को भी नाने दी दस्तार बुढ़े प्यो दे सिर तो डिगदी नहीं वेखी जाने की। अर्ज की थी बाबा कल दे मौरख ने लिखना है हुसैन ने करबला च लोगों के पुत्र ते मरवा दिते पर अपने पुत्रा दी वारी आई ते सीने ला के रखी। अर्ज की थी बाबा जे मैनू पुत्र समझ के नहीं ना ते को गुलाम समझ के इजाजत दे दे, आका बन के इजाजत दे दे। इमाम रोही जा रहे थे फरमा अकबर ते नुखी मैं जान देवा तेरी शक्ल मेरे नाने नाल मिलती है, वो ऐसा शबीह है मुस्तफा के। मदीने लोगों ने अली अकबर निशान कह दे तस्वीर है मुस्तफा ते शबीह है मुस्तफा कह दे सब लोगों का जब कमली वाले ने वेखन नु जी करना ते इमाम हुसैन दा दरवाजा खड़का के कहंदे सन जरा अकबर नु बुलाया से असा मुहम्मद दी तस्वीर वेखनी है। वो कुरान दा एडा सोहना कारी जद दादी दे हुजरे च बैठ के कुरान पढ़दा है मदीने दी गलियां चोंदे कुरान सुनन वाले तिलावत सुनन वाले दे मेले लग जांदे। मेरे इमाम ने फरमाया मैं नहीं जान देना। अकबर हाथ जोड़ के तो रोई जा रहे थे अर्ज की थी बाबा और मैनू जाना दियो, मैं जाना है बाबा मैनू इजाजत दियो। नौजवान मेरे इमाम ने फरमाया अकबर की मैं जान देवा, फरमाया अकबर जद दुनिया दी आया मेरे समय के अंदर आई हाथ जोड़ के कह लगी वीरा जद पति जीने वीर भैन कुछ ना कुछ दे के भेज देने, अज तेरा पुत्र आया मेरा भतीजा आया मैं भैने आई हाँ वे वीराज की देवे मैं आख्या जनब जो मंगेगी देवगा। जनब ने जोली फैला के आखे आओ जे हुसैन कुछ देना ही मैनू अकबर दे दे पुत्रा मैं तेन छुके जनब की गोदी च रखे आओ तेरा बाप ते मैं तेन पालिया जनब ने जाओ जे फुफो इजाजत दी मैं दे देवगा। ओ लोगों शहजादा अकबर जड़ वेले सैयदा जैनब दे खेमे ते आए जैनब ने दो निकियां निकियां लाशां रखियां ने कदे आउण दा मुँह चुमदी है कदे मुहम्मद नू चुमदी है काले पुत्रां दे लेट के फरमा दियां ने वे उठो जांदी वारी मां कह जाओ आख्या करेगा किनू सीने लाया करांगी। इधर शहजादा अकबर खेमे च आ गई उठ के जैनब ने सीने नाल लाया फरमा दिया मैं फुफो दिए जाने किधर आए अर्ज की दी फुफी अम्मां सखियां दी बेटी सखियां दी दोतरी भैन भी सखियां दी आप भी सखियां हैं मैं तेरे बुए दा सवाली बन के आया सीने ला के फरमा दिया वे अकबर पुत्रा वे फुफो कोलो पानी ना मंगी तेरी फुफो कोलो पानी कोई नहीं अज खाना ना मंगी वे फुफो कोलो खाना कोई नहीं ते जावन मंगे खादे देवांगी। अकबर ने अर्ज की थी फुफी अम्मां मैं पानी लैन नहीं आया हूं मैं जान लैन भी नहीं आया हूं मैं ते जान देन दी इजाजत लेने आया हूं। सैयदा चीख मार के बेहोश हो गई हूं इमाम हुसैन खैमे दे अंदर आए फरमाया अकबर पुप्पो दे कदमा ते ओंड रख दे अकबर ने कदम चुम चुम के जगाया सीने ला के फरमा दिया ने अकबर पुप्पो मर जाएगी अकबर मैं तेनू वेखनिया पुत्र भूल जाते अकबर जा दिया गल्ला ना कर वे मेरे नाने दिया तस्वीर है तेनू मैं किवें जाऊं देवा। अकबर खैमे दिनू गर्ज पै के रोन लग पाए ते कहन लगे अबू भी नहीं मन दे फुफो भी नहीं मन दियो अज मैं केड़ी सिफारिश लैके आवां सैयदा दा ना करी बैठ गई हूं फरमांदियां वे रोना क्यों है अर्ज की दी फुफो जान मदीने ते कहंदियां सौ
अकबर मैनू पुत्रा नालू भी प्यारा है। फुफो करबला आया के बदल गई फरमातियां वे मैं दिया गल्ला क्यों करना है। अर्थ की थी फुफी अम्मा जे मैं पुत्रा नालू भी प्यारा अपने पुत्रा नु शहादत जाम पिला लेने जे मैं प्यारा मैनू भी जा लैन दे। सैयद हसन मत्था जो के सीने लाया फरमातियां वे रो ना जा मैं तेनू इजाजत देनी जा अकबर मैं तेनू नाने दे सपुर्द कीता। सैयद हसन अपने रोंदियां इजाजत दीती मेरे इमाम 18 साल दे पुत्र नू खेमे च लै आई करबला दा दूल्हा बनाया नौजवानों सोना लिबास बनाया पुत्र दे सिर ते नाने दी दस्तार रखी जुल्फिकारे हैदरी फड़ाई। अज सवेरे मामा पुत्रा नू स्कूल ले तैयार करनिया मामा कहदियां जाके दादी नू कपड़े वखा के आओ जा जा के बाबा नू कपड़े वखा के आओ बा हुसैन तेरे हौसलियां तो कुर्बान जावा पुत्र नू करबला दा दूल्हा बनावा के। फरमाया अकबर जा अम्मी नू वखा के आओ जा जा दीवार अम्मी नू मिल के आओ। अकबर वेले अपनी माओ उम्मे लाला दे खेमे च आए उम्मे लाला ने सीने नाल लाया फरमादियां वे अकबर किधर आया है। अर्ज की अम्मी बोलिया चलिया माफ करिया जे अर्ज की अम्मा तेरा अकबर टुर चले आई। उस वेले मां ने आखरी वेले सीने नाल लाया ओ लोगो अज पुत्र सवेरे टुर देने मामा स्कूल भेज दिया ने ते मामा कहदियां वे खरी जाओ खरी आओ पुत्र टुर दे मामा झोलियां फैला लैंदियां मामा कहदियां रवा जांदियां दी कंड वेखी चेहरे वखावा देवी पुत्र डर दे मावा कह दिया है रब्बा इन्हां नूं तत्ती वाणा लगे। ओ पुत्र डर दे मावा कह दिया ने वे निकिया वड्डे दे नाल रहना ई वड्डे नूं कह दिया छोटे दा ख्याल रखना ई मावा कह दिया वे कट्ठे जाया जे कट्ठे ही आया जे पुत्र डर दे मावा सदके दे दिया बलावां लैंदियां ने। उस मां दा हौसला वे 18 साल का अकबर जा रहा पता मुड़े आना भी कोई नहीं। उस मां ने जिंदगी की दुआ नहीं दिती उन्हें मामा किताबे जिंदगी नो बंद कर दिता सीने ला के कह लगिया टुर चले ते मां दी लाज रख के आना। अकबर ने सीने ला के अर्ज की अम्मां लाज किवें रखनी फरमादियां वे अकबर पुत्रा अब्बास बाजू फट गए उन्हें अपनी मां मुल बनी दी लाज रखी आओ ते कासियों दियां पसलियां टुट गईयां उन्हें अपनी मां में फरबा दी लाज रखी आओ। निके जे असगर ने हलक च तीर खा के अपनी मां रबा दी लाज रखी आ निके निके उन ते मुहम्मद ने अपनी मां ज़ैनब दी लाज रखी आ ते ओ भी अली दे लाल ने ओ भी अली दे लाल अपनी मां दी लाज रख के आउणे। अर्ज कीती अम्मा लाज किवें रखनी नौजवान उम्मे लैला सीने नाल लाया फरमादियां वे अकबर पुत्रा वे तीर वजे है ना करी जदों तेरी लाश वापस आवे एक भी तीर कंड ते ना आवे सारे सीने ते खा के आने। अकबर ने मान जफा मारे अर्ज की अम्मा रोना तेरी इंज लाज रख के आवागा कयामत तक मामा तेरे ते नाज करन दियां पुत्र मेरे ते नाज करन मां वेखी मैं तेरी किवें लाज रख के आऊंगा। उस मां ने अपने जवान पुत्र नूं टोड़िया दुआवां दे के आखे कुर्बान हो के मेरे मां पुत्र नूं खेमे च लैके एक एक करके सारे नूं मिलेगा
असगर सीने ला के ना मत्था चुम के कहते कदे तू जवान हो मैं तेरी जवानी वेख ला पर मैं टुर चलो मेरे बाद अबू का सहारा बनी जबाने हाल चू अर्ज की सोने जो तू पुत्र हुसैन का पुत्र माफी हुसैन का तू अगे अगे जा मैं पिछे पिछे आ रहा मेरे मुल्ले दे नौजवान मेरे इमाम पुत्र नु लिया के ते घोड़े ते बिठा के तलवार पकड़ा के फरमा जा अकबर ते नाले रस्ते च पता की फरमा रहे मुहार पकड़ के फरमा दे ने पुत्र अकबर तू अली दा पुत्र असी जेडे हाशमी होने ना असी जद जंग शुरू कर लीए तो या शहीद होके आने या जित के आने दरम्यान च कदी असी वापस नहीं आए ते अली दे खून नु लीक ना लावे पुत्र या जित के आवी तो या शहीद होके आवे मेरा पुत्र वापस ना आवे थपकी दे के ना ते मेरे इमाम ने पुत्र नु टोरिया जद शहजादा अली अकबर खेमे चो बाहर आए ते यजीदी सामने फौज खड़ी इब्ने साद बोल के कहन लगा इनु तीर मारो कोई यजीदी तीर ना उठावे उन्हें दोबारा आख्या तीर मारो कोई तीर ना उठावे इब्ने साद ने तीसरी बारी आख्या कोई नेजा कोई तीर मारो सारी यजीदी फौजी बोल के कह लगे जालिम किन्नू मारिए दो गड़ियां ठहर जा जिस मुहम्मद का कलमा पढ़े उसकी तस्वीर ते वेख लैण उन्हें आख्या जालिम एडा सोहना सैयद इन्हू मारन की करदा है उन्हें आख्या असां ते नहीं इन्हू मारना नौजवान शहजाद अली अकबर ने देखा कोई नहीं आया अली दा लाल मुहम्मदी कचार दा शेर गरजे आओ शहजाद अली अकबर ने यजीदियां ते हमला कर दिता यजीदियां दिया दौड़ा लग गई गर्दना इंज उड़ दिया जिमें खिजाओं विच दरख्तां दे पत्ते उड़ देने अली दा लाल गाजर मूली फसल वांग कटदा जा रहा नौजवानों ओ इंज दौड़ देने जिमें पेड़ां अगे दौड़ दिए शेर पिछे दौड़दा मेरे इमाम फरमा रहे वाह पुत्रा बड़ा सोना पिया लड़ना है अचानक अली अकबर खेमे वाल वापस आ रहे मेरे इमाम ख्याल आया आखे असी पुत्रा वापस नहीं आई दो मेरे इमाम इशारे करके फरमा दे अकबर लौट जाओ अकबर लौट जाओ अकबर ने आखे बाबा नु जप मारे आओ फरमाया अकबर की लेना आए जबान कड के अर्ज की बाबा हुन नहीं लड़िया जांदा दो घट पानी दे दे आवाज वादा करना यजीदी घर कोई नहीं जाण देवांगा मेरे इमाम ने अपनी जबान ने काली फरमाया पुत्र पानी ते कोई नहीं आजा मेरी जुबान चूस ले इस जुबान मुहम्मद की जुबान दे चूस ले नौजवान अली अकबर ने बाबा की जुबान चूसी हौजे कौसर दे लुत्फ आ गए दादा दमे हो गए अकबर ने जड़ वेले हमला किया रेत दा तूफान उठा कुछ भी नदरी ना आवे उधर उमे लाला मां दा कलेजा खब गया मां कहन लगी लजपाला देखे आज मेरा अकबर किथे गया है मेरे इमाम ने फरमा बीबी हौसला रख ओवे किधर यजीदी दौड़ दे पे जांदे ने पीछे तेरा ही शेर लगा इब्ने साद शिमर नो पुछदा है ए कौन जेड़ा कुश्तां दे पुश्ते मलाई जा रहा है ए कौन जेड़ा इंज ब्या घर जदा है शिमर कह लगा अली दा पुत्र है हुसैन दा पुत्र है एदा नाम भी अली है इब्ने साद लबा च जुमला निकले आओ कहन लगा अज मनना पवेगा शेरां दे पुत्र शेर ही होंदे ने नौजवान इब्ने साद ने आखिया इहदे करीब कोई ना जावे दूर खलो के नेज़े ते पत्थर मारो एक जालिम ने नेज़ो मारे अकबर दे दिल च गुजर गए कण च गुजर गया नौजवान अखा के अंधेरा छा गया अकबर ने खेमे वाले देखे कहन लगे अम्मा
दस तेरी लाज रखी है कि नहीं रखी। मां दी चीख निकल गई, फरमा दिया अकबर लड़ी जाओ वे तू मां नू बड़ा ही प्यारा है पर नाने दा दीन तेरे नालों ही प्यारा है। अकबर ने बाबा दे खेमे वाले वेखे आओ कहन लगे अदरिक नी या अबदाओ अबू जी मैनू फड़िया जाए ओ लोको बाप जूंदा ही मर जांदा जाए जिदे कन्ना च जवान पुत्र दियां जदिया बावादा जाए अबू जी मैनू संभालिया जाए मेरे इमाम ने अपनी कमर ते हाथ रख ले आओ करबला बल दौड़ के फरमा देने दी लग तोड़ चले फरमाया कबर जे जाई नो मैं तेरा बाबा पे आयो ना कदे मेरे इमाम तक दौड़ दे जांदे ने कदे पाए जांदे ने इक यजीद ने आख्या पुत्र सामने पे तड़प दे अकबर दाए पाए हुसैन क्यों जाने फरमाया जालमा पुत्र अखां दा नूर हुंदे ने ओ पुत्र टुर जान अखां नबीनियां हो जांदियां ने फरमाया अकबर एक बारी बाबा कह के पुकार अकबर ने बाबा आख्या मेरे हुसैन आवाज वल दौड़े तू करदा सिर जाके गोदी च रखे आओ अर्द थी बाबा सीने चुने दा कड़िया जे अज ना यजीदियां नू मैं घर नहीं जान देना मेरे इमाम ने नेदा खिचिया खून दा फवारा निकलिया नाले दिल दे टुकड़े वारे आ गए अकबर ने सीने ते हाथ रखे आओ अर्द की बाबा जाके नाने नू आखा गो सुने आओ वेख लै तेरे दीन दे पौते नू सीने दे खून दे के आए आओ मेरे इमाम नू अर्द की बाबा जरा सीने लाया जे मेरे इमाम ने पुत्र नू जफवारे आओ अकबर ने आखरी हिचकी लई इस दर्द नौ अकबर रहे फरमाया पुत्रा रोना क्यों है अम्मी नू मिलने खेम च लै चला फुफो नू मिलने खेम च लै चला सकीना नू मिलने खेम च लै चला अर्ज की बाबा मैं किसे नू नहीं मिलना फरमाया अकबर रोना क्यों है अकबर ने खुट के जफ मारे अर्ज की मैं रोना लोगो मेरा बाबा कला रह गया जे मेरा अबू कला रह गया जे अकबर ने आखरी हिचकी लई अकबर दी रूह बर्बाद कर गई मेरे इमाम ने लाश चुकी केड़े वेले करबला दे मैदान च खेमे वाले आ रहे पुत्र दे पैर जमीन ते घसीट दे आ रहे ने आसमान वल वेख के फरमांदे ने कि जिन्ना दुखां विच राधी सुखियां नातों बारे दुख कबूल मोहम्मद बसाओ राधी ने प्यारे इमाम ने जवान पुत्र दी लाश खैमे च लिया के रखी थे अर्द करके फरमांदे ने हाथ उठा के करो दुआवां अल्लाह पाक ने आरे जवान पुत्र किसे दा लोको अल्लाह पाक न मारे। सैयद ज़ैनब सीने ते लेट के फरमा दिया अकबर वे अकबर पुत्र अकबर अकबर दी कोई आवाज नहीं ते रो के फरमा दिया फुफो दिए जाने एक बारी बुलांदी सां दस बारी बोलदा सां वे अज फुफो बुलांदी है बोलदा क्यों नहीं। तू ते आख्या सी 6 महीने बाद लैण आवांगा सकीना नूं फरमांदियां सकीना आप वीरां च वसनीए तेनू कदे बाजी दा ख्याल नहीं आया ते उत्ते लिखिया बाबा मैं तुहानू कोई अर्ज नहीं कर सकदी बस इन्ना कहनी हां कि पुप्पो सैयदा ज़ैनब नूं इह पैगाम दिया जे कि उम्मे सलमा नानी कहदियां ने
कि मेरे हुसैन नूं लिख दे कि हुसैन जल्दी मदीने आ जा, नाना बड़ा याद पे कर दे। मेरी मां खत लैके अकबर की लाश ते जाके सीने ते रखिया, सीने ते रख के फरमांदे ने उठ परदेसन बहन दे वीरा तेरी बहन वाजों पे मार दी। अकबर की लाश तड़प गई। मेरे मामे अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला दे मैदान च ओह कुर्बानियां दित्तियां जिन्हां दा इंसान तसव्वुर भी नहीं सी कर सकदा। अगर कुर्बानियां दे के शिकवा नहीं कीता, शिकवा नहीं कीता, आखिर जो कुछ होंदा होन दे, परवाह नहीं अपने आप दी, मैं रमा या ना रमा गल रे रसूले पाक दी, सारा कुछ नाने तो कुर्बान करके ते मदीने वल मुंह करके बस इना ही आखिर इन नल तैयारी है सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्ले सलामी रोजतन फी हन नबी जल मुहतरम। आखिर हवाए जे मदीने चु गुजर होवे साडे नाने नु साडा सलाम आखी, ते आखी नाना तो मेरे तो मदीने च एक पुत्र कुर्बान कीता सी, वेख ल करबला च मैं तेरे तो सारे कुर्बान कर दिते ने। करती है पेश आज भी शहादत हुसैन की, आजादी ये हयात का ये सरमदी उसूल, चर जाए कट के सर तेरा नेजे के नोक पर, लेकिन यजीदियों की इतायत ना कर कबूल। इंशाल्लाह उल अजीज 4 सितंबर बरोज इतवार बाद नमाज ईशा डेरा भट्टियां बहादुरपुर इंशाल्लाह कुल्लूवार रोड हेड मराला सियालकोट, इतने मैं इंशाल्लाह ताजेदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हाजिर होगा। तमाम महबाब जरूर शिरकत फरमाइएगा। दीगर सनाखाना रसूल शहजाद अली मदनी साहब, इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब, गुलाम शबीर सज्जन, मोहम्मद अफजल कादरी साहब भी तशरीफ ले आवेंगे।